अल्लाह एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं हाँ आप लोग सब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे सब लोग ठीक ठाक होंगे मैं अपना किचन जो है थोड़ा सा डिक्लेटर कर रही हूँ ऑर्गेनाइज भी कर रही हूँ और साथ साथ थोड़ा सी डेकोरेशन भी कर रही हूँ पेंटिंग वगैरह करनी है चीज़ों पे और साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि अपने किचन को आप किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज़ करें ताकि वो फंक्शनल भी हो प्रैक्टिकल भी हो और जो है स्पेस सेविंग हो अच्छा किचन में ना मैंने इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो अरेंज की हुए हैं कि जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो कैबिनेट के हिसाब से हैं जैसे अब जगह के हिसाब से जितनी भी चीज़ें आ रही थी उस तरह रख दी कुछ चीज़ें जो हैं वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से कि मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है तो मैं उसको सामने रखूँ और कुछ चीज़ें जो हैं वेट के हिसाब से हैं तो कैबिनेट्स जो हैं मेरे इस तरह कि बहुत ज़्यादा टॉल हैं तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो मैं हार्डली यूज़ करती हूँ और जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करती हूँ उनको मैंने नीचे रखा हुआ है अच्छा मेरे किचन में ज़्यादातर जो है वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें नजर आएंगे और हर कैबिनेट में जो भी चीज़ रखी हुई है वो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे यूज़ करती हूँ तो ये जो मेन कैबिनेट है इसमें मेरे सारे जार्स रखे हुए होते हैं उसमें मेसन जार्स जैसे मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं वो भी रखे हुए होते हैं और इन्हीं की लड्स वगैरह भी रखी होती हैं अच्छा जार जो हैं कुछ तो एक के ऊपर एक भी आ जाते हैं इनमें फ़ायदा होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने बच्चों की रखी हुई हैं जैसे वाटर बॉटल्स दूध की बॉटल और जो है जो जैसे मील प्रेपिंग की चीज़ें होती हैं ना वो सारी जो है वो इस कैबिनेट में जो ये नीचे वाला एरिया है जो ड्रॉर्स हैं और नीचे वाले कैबिनेट से ये मैंने बच्चों के रख लें तो इसमें जो सारी ड्रॉर्स हैं उसके अंदर जो बच्चों की यूटेंसिल्स प्लेट्स बॉल्स और स्ट्रॉज वगैरह जो भी चीज़ें जो हैं मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं ना वो सारी बच्चों की हैं डॉर में आजकल जो है ना बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स आए हुए हैं और बहुत महंगे महंगे भी हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हैं लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हर किचन का जैसे हिसाब अलग होता है हर ड्रॉर अलग होती है तो आप किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें कि हर ड्रॉर को डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें कि जितनी आपकी स्पेस है वो अब अगर इसमें मैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइज़र रखती तो उसमें जो है जगह भी कम होती और जो है चीज़ें सही से एडजस्ट नहीं होती तो मैंने बड़े इनएक्सपेंसिव से ये जो है ना छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए मैंने टारगेट से बाई किए थे बहुत ही चीप थे और एक में जैसे स्ट्रॉज रख दिए एक में स्पून हो गए और फोर्क ताकि बच्चों को निकालने में भी आसानी होगी अच्छा कैबिनेट्स में तो काफ़ी जगह होती है आप किसी तरह भी उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लेकिन जितनी भी मेरे किचन में ड्रर्स हैं ना उसमें ज़्यादातर वो लंबी हैं और स्लाइडिंग वाली हैं और साथ ही जो है उनके अंदर इस तरह से है कि जैसे विड कम है और लेंथ ज़्यादा है अच्छा इसके अंदर ड्रॉर के अंदर मैंने बहुत सारे मैट्स रख के ट्राई किया और जो है जैसे नॉन स्लिपेबल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ भी जो है वो मुझे सही नहीं लगा क्योंकि चीज़ें इधर से उधर स्लाइड होती रहती थी नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगा ना वो ये कि ड्रॉर के हिसाब से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स ले लूँ बिन्स ले लूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जैसे पैकेजिंग होती है ना उसको भी आप सेव करके रख सकते हैं तो ये मैंने बहुत पहले के बाई किए हुए हैं तो मैं हर ड्रॉर का मैंने छोटे छोटे पार्ट्स रखे हुए हैं तो अब एक ही ड्रॉर के अंदर मैंने इस तरह से सेटिंग की है कि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं हर ऑर्गेनाइज़र के अंदर मिनी ऑर्गेनाइज़र्स रख देना तो एक साथ ड्रॉर में कितनी चीज़ें आ सकती हैं और सब चीज़ें अलग अलग सेपरेट रख सकते हैं और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ें जिस तरह से आपको यूज़ करनी है बस आपका जैसा भी किचन है आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप जितनी जगह जैसे कम खर्च हो आपकी कि आप एक ही जगह में बहुत सारी चीज़ें रख लें तो उतना ही आपका फ़ायदा होगा एक ड्रॉर में ज़रूरी नहीं है कि सारे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो मैचिंग होने चाहिए या बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए सिंपल प्लास्टिक भी चल जाता है अगर वो चीज़ रीयूजबल है तो आप उसको बार बार वॉश करके और ऑर्गेनाइज़ और कर सकते हैं उससे मनी भी सेव होगा और जगह भी मेरा किचन जो है ना बहुत सिंपल सा है उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है लेकिन अब जो है बस थोड़ा थोड़ा जो है अब उसको प्रटी बनाने की कोशिश करी थोड़ा डेकोरेट करी तो स्लोली स्लोली हो जाएगा ऐसी ग्रोथ होती है अच्छा इस तरफ जो है मेरा बड़ा सा जो कैबिनेट है उसके अंदर मैंने सारे मग्स और चाय के कप्स और जैसे प्लेट्स और बॉल्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो वहीं पर ही ऑर्गेनाइज़ हैं और जितनी चीज़ें मैं जरूरत हैं उतना ही मैंने रखा हुआ है और ये दो जो कैबिनेट्स हैं मैंने फुल स्पाइस के लिए रखे हैं एक जो है होम मेड का जैसे मैंने रैक रखा हुआ है उसके ऊपर एक जो है टर्न टेबल जैसे होती है लेजी सुज़न टाइप की तो उसके अंदर मैंने वो चीज़ रखी है जो ज़ाहिर है पैकेजिंग में होती है उनको छोटी छोटी हैं तो उनको यूज़ करना होता है बॉटल्स जैसे होती हैं तो मैंने इस तरह से रख दिया है कि उनको जैसे यूज़ करना हो तो, तो रोटेट कर सकते हैं दूसरी तरफ जो है मेरे अपने जो पाउडर के मसाले हैं वो रखे हैं गर्म मसाला वगैरह और स्पूनस वगैरह जो मैं यूज़ करती हूँ अच्छा नीचे के जो कैबिनेट है एक फुल पूरा कैबिनेट जो है स्टेनलेस स्टील की चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं पतीले हैं और छोटी जैसे पतीले हैं जो मुझे दूध के लिए और बॉयल करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं सब्जियों के लिए या फिर जो मिक्सिंग बॉल रखे हुए हैं छनिया वगैरह जिससे स्ट्रेनर होती हैं सारी वो रखी हुई हैं और इंस्टेंट पॉट के जो असेसरीज होती हैं वो हैं बराबर में मेरा बेकिंग कैबिनेट है और इसमें जितनी मेरा सामान है उतनी मेरे पास बेकिंग है इसके अलावा बस कटर्स वगैरह हैं वो मैंने कहीं और रखे हुए हैं तो अगर ये फिल हो जाता है तो फिर मेरा मतलब ये होता है कि इसको डिक्लेटर कर दूँ ये बराबर में जो कैबिनेट है उसमें सारी शीशे की चीज़ें मेरी रखी हैं मेजरिंग कप्स जैसे बड़े वाले मुझे चाहिए होते हैं और जो मिक्सिंग बॉल्स वगैरह होते हैं वो सब इस कैबिनेट में रखा हुआ है अच्छा आज थोड़ा सा मुझे जो है चीज़ें पेंट करनी थी दो तीन चीज़ें ऐसी रखी थी जो बिल्कुल मतलब ओल्ड हो गई थी उनका जो है आउट ऑफ जैसे होता है ना कलर उतर गया था तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा पेंट कर लेती हूँ तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और किचन में भी अच्छी लगेगी अच्छा लकड़ी को हमेशा पेंट करने से पहले जो पेंट मैं यूज़ करती हूँ वो चॉक पेंट है तो उसको मैं अच्छी तरह से या तो जैसे सैंड पेपर है तो उससे कर सकते हैं आप और या फिर जो है वो आप अच्छे से तार से जिससे बहुत अच्छी स्क्रबिंग हो जाए ना तो उससे आप अच्छी तरह धो लें क्योंकि वरना पेंट जो है सही से स्टिक नहीं होता फिर चीज़ें अगर थोड़ी सी जो है वो चेंज हो जाए ना तो बहुत लुक भी चेंज हो जाता है आप सिंपल उन्हीं चीज़ों को अगर पेंट कर लें क्योंकि हम बाकी चीज़ों पे तो पेंट नहीं कर सकते घर वगैरह पे हमें अलाउड नहीं है लेकिन अपनी जो चीज़ें ख़रीदी हैं उन पे तो पेंट करके उनको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अच्छा मुझे कलरफुल अच्छा लगता है लेकिन बहुत ओवर जैसे हो जाता है ना वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है या बहुत जो है कलर हो गए हैं हर जगह तो मेरा जो पैलेट है उसी के हिसाब से जो है मैं कलरिंग करती हूँ तो मैंने सोचा जो था कलर वो ज़रा ये जो था वो डार्क था तो मैंने सोचा कि दो तीन कोट इस तरह से करती हूँ तो मैंने वाइट और ब्लू का शेड मिला के इस तरह से जो है वो कलर किया था कि उसका कलर जो है वो रॉयल ब्लू से थोड़ा सा लाइट हो गया था लेकिन फिर भी डार्क था मुझे रखना था ये पूरा मेरा जो कॉफ़ी एरिया है वहाँ पे मुझे इसको जो है ऑर्गेनाइज़ करना था तो उसी हिसाब से मैंने कलर कॉम्बिनेशन रखा था तो मैंने सोचा कि हर जगह का जैसे कहीं ग्रीन है कहीं ब्लू है तो जो मेरा पैलेट है ना आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं जो हूँ कलरफुल बना लूँगी कुछ चीज़ें तो परमानेंट हैं अब लाइट्स चेंज नहीं कर सकते कैबिनेट पे कलर नहीं कर सकते अंदर का जो इंडोर है वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने खुद खरीदी हैं और घर में जैसे उनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए परमिशन चाहिए होती है अब मुझे बाकी रेंटेड जगहों का नहीं पता लेकिन यहाँ पर जो है उनका इसी तरह से अच्छा ज़्यादातर चीज़ें मेरी थ्रिफ्टेड होती हैं या विंटेज होती हैं और सेकेंड हैंड स्टोर से मैं बाय करती हूँ चीज़ें तो ये मैं सैटरडे को गई थी और चीज़ें मैं लेके आई थी तो उसमें जो है वो दो प्लेसमेंट थे तो मैं सोची थी किचन के लिए बहुत अच्छे लगेंगे इसका कलर पैलेट बहुत अच्छा था एक पॉट जैसे फोल्डर होता है वो मैंने बाय किया था और एक जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कॉर्क बोर्ड लिए थे ये जो है मुझे पेंट्री के लिए यूज़ करने थे इन वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी अच्छा ये थ्रिफ्ट स्टोर का जो हिसाब है ना वो इस तरह से होता है कि आप जाते हैं तो कभी ना कभी ऐसा होता है ये नहीं कि आप गए आपने कुछ सोच के गए तो वो मिलेगा वहाँ जाके पता चलता है कि किस तरह की क्वालिटी है और क्या चीज़ जो है ब्रांड न्यू है कुछ ब्रांड न्यू चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं कुछ ऐसी होती हैं कि आप उसको वॉश करके यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को हमेशा जैसे मैंने पेंट कर लिया ऑर्गेनाइज़ कर लिया ना तो मैं दो तीन तरह से हमेशा चेक करती हूँ तो वो जब तो मुझे लगता है कि वो जगह ज़रा अच्छी लग रही है तो फिर उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ तो मैं चाह रही थी लाइट ब्लू ग्रीन और ग्रे वाइट का ना कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये वाला एरिया जो है ना इस तरह से रख लूँ कि इसके अंदर जो है कॉफ़ी की चीज़ें जैसे होती हैं शुगर क्रीम और कॉफ़ी मेरी चाय का जो मसाला होता है वो रख लूँ तो उसकी जो जार्स वगैरह है ना वो सब जो है एक दूसरे से जो है कॉम्बो अच्छा लग रहा था चीज़ें मैं चेंज भी करती रहती हूँ अब जैसे नई चीज़ें जैसे बाय की हैं या कुछ जो है वो चेंज किया है तो फिर पुरानी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ मेरा रूल ये है कि अब जितना भी मेरे किचन में सामान है ना उसके अलावा मुझे बाय नहीं करना मतलब मेरी चीज़ें पूरी हैं लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा होगा कि एक्सचेंज करना होगा जैसे या जो है वो कुछ चीज़ जो है चेंज करनी होगी तो वो जो चीज़ है वो डोनेट हो जाएगी और फिर नई चीज़ आएगी अब जो है मेरा किचन बिल्कुल फुल हो चुका है अब ना मैं कोई नई चीज़ रख सकती हूँ हाँ अगर पुरानी चीज़ को हटानी होगी तो फिर नई चीज़ रख सकते हैं अच्छा वीकेंड पे हमारे एक इंडियन फ्रेंड है उनके घर जो है लंच पे हम लोग गए थे तो वो उनका पूरा गार्डन है तो वो जब भी उनके घर जाते हैं ना वो खूब सारा हमें कड़ी पत्ता दे देते हैं तो वैसे तो ना इंडियन स्टोर पे देसी स्टोर पे कड़ी पत्ता नहीं मिलता मिलता भी है तो इतना थोड़ा सा देते हैं कि वो दो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है तो मैंने ये किया था कि उसको पानी में डाल के थोड़ा सा रख लिया था और बाकी जो है वो धो के मैंने फ़्रीज़ कर दिया था तो फ़्रीज़ करने से तो एक साल तक आप यूज़ कर सकते हैं अगर जैसे आपकी बिजली वगैरह नहीं जाती थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं कि पूरा टूर दे देती हूँ कि मैं किस जगह क्या रखती हूँ तो मेरा जो फ्रंट सिंक वाला एरिया है इधर ज़्यादातर बच्चों का ड्राइंग ड्रैक रखा होता है यहाँ पे ग्लासेस और अमल की बॉटल्स वगैरह मैं ड्राई करती हूँ और साथ ही जो है विंडो है हमारी यहाँ का पूरा बैक है पीछे और सामने जो है बस सिंक है और सिंक के साथ ही जो है नीचे अंडर सिंक है इसको मैंने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ जब करूँगी तो फिर शेयर कर लूँगी तो यहाँ पर बस जो है वो साबुन वगैरह रखा होता है साथ ही वाला कॉर्नर है मेरा कॉफ़ी का और जो यहाँ सोप वगैरह रखा है स्क्रब वगैरह तो ये एरिया जो है वो पूरा फुल हो चुका है और साथ ही इसके ऊपर जो बिल्कुल मेन जगह है जहाँ ऊपर कैबिनेट है उसमें मैंने सारे जो मील प्रेप के कंटेनर्स होते हैं शीशे वाले वो मैंने रखे हुए हैं तो सारे लिड लगा के रखती हूँ मैं और बार बार जिसे यूज़ कर करके धो के, के यहाँ रख लेती हूँ बराबर में ही मेरा जो है अपलाइंसिस का जो है कैबिनेट है मेरे पास टोटल यही अपलाइंसिस हैं जो मैं एवरी डे यूज़ करती हूँ और इसके अलावा मेरे पास जो है बस वो ब्रेड मशीन है और इंस्टेंट पॉट है वो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है ऊपर वाला जो कैबिनेट है मैंने खाली छोड़ा हुआ है उसमें यह कि जब ग्रॉसरी ज़रा ज़्यादा हो जाती है तो मैं स्टॉक यहाँ रख देती हूँ जो मेसनजा वाला कैबिनेट है उसी के नीचे जो है वो सारी बच्चों की ड्रॉर्स हैं तो एक में जैसे यूटेंसल्स सारे रख देती हूँ एक्स्ट्रा और बॉटल की जो चीज़ें होती हैं सिस्ट्रीज और दूसरे वाले में जो है बॉल्स रख देती हूँ कुछ लकड़ी के हैं कुछ जैसे स्नैक बॉल्स होते हैं कुछ चीज़ें डिश वॉशर में थी तो वो वॉश हो रही थी बाकी जो है कुछ डिवाइडेड प्लेट्स रख देती हूँ मैं बच्चों की और कुछ जैसे बेंटो बॉक्सेस वाली प्लेट्स होती हैं और सैंडविच कटर्स वगैरह वो यहाँ रखे हैं जो इसके नीचे वाला कैबिनेट है उसमें एक राइस कुकर रखा हुआ है वो कहीं और फिट नहीं होता तो मुझे जब यूज़ करना होता है यहीं से निकालती हूँ और साथ ही जो है वो सारे बेंटो बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं और लंच की चीज़ें उसी के ऊपर जो ड्रॉर्स हैं उसमें एक जो है रोटी के कपड़े और ग्लव्स वगैरह रखे हैं और एक में जो सफाई वाली चीज़ें स्क्रब और जैसे जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं उसी के बराबर में एक पतली सी डॉर है उसमें टूल्स रखे हैं क्लीनिंग वाले मुझे जो चाहिए होते हैं जैसे घर में मैं बनाती हूँ तो उसके लिए कप्स वगैरह चाहिए होते हैं वो रखा हुआ है और उसी के नीचे जो है वो फॉयल अलमूनियम फॉयल वाली कैबिनेट है वो इतनी पतली सी है बस वहीं आता है स्टोव के दूसरी तरफ जो है ये सारा मेरा जैसे मसालों का मैंने रखा हुआ है स्टॉक जैसे ऊपर है तो उसमें जो है वो मैलर्स बैग के अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा जो मसाले होते हैं वो रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो है मेरा ब्रेड बॉक्स है यहाँ सारे मैं फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ चॉपिंग बोर्ड और जैसे यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो रखती हूँ और उसी के ऊपर जो है वो एक चाय का कैबिनेट है हमारा फुल उसमें हम चाय वगैरह की चीज़ें रखते हैं शहद रख लेती हूँ और जो है बच्चों के जो एक्स्ट्रा स्नैक्स होते हैं ना वो मैं हाइड कर देती हूँ ऊपर ताकि बच्चों का हाथ ना जाए उसी के बराबर में जो है मसालों वाला कैबिनेट है इस तरफ जो है कॉन्डामेंट्स वगैरह भी हैं और बल्क में जो स्पाइसेस हैं कुछ चीज़ें वो रखी हैं सॉस, और जो घर में बनाती हूँ वो चीज़ें रखी हैं और दूसरी तरफ जो है रेगुलर पाउडर के मसाले गर्म मसाला वगैरह रखा हुआ है जो काउंटर की नीचे वाली ड्रॉर हैं उसमें एक में तो बस जस्ट जो है वो लाइटर्स और जो है वो दवाइयाँ वगैरह रखी हैं और दूसरी तरफ जो है वो आटे वाली चीज़ें हैं और स्ट्रेनर्स रखी हैं मेरी और उसी के नीचे जो कैबिनेट है उसमें मैं आपको बताया था कि उसमें शीशे वाली जितने मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं वो रखी हुई हैं उसके ऊपर जो डॉर है उसमें जैसे ड्राइंग जो मैट होते हैं वो रखे हुए हैं और ये नीचे बेकिंग वाली सारी चीज़ें शीट्स वगैरह सब रखी हुई हैं जो उसके बराबर वाली ड्रॉर हैं दो उसमें एक में तो फुल जैसे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं और खाने वाले चमचे वगैरह और दूसरी तरफ जो है वो गोश्त की नाइफ्स और जैसे गैजेट्स होते हैं ना वो रखे हुए हैं जो बड़े पतीले हैं वो मैंने अपना जो मेरा आइलैंड है उसके नीचे रखे हुए क्योंकि उसके अलावा कहीं और किसी कैबिनेट में फिट नहीं आते तो जो दो ड्रॉर हैं इसके अंदर मैंने मिसलेनियस आइटम्स रखे हुए हैं और उसी के नीचे जो है बड़े बड़े पतीले रखे हुए हैं जो है फाइनली सब कुछ डिक्लेटर करके मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था क्लीन मैंने रात में किया था तो वो मैं फ़िल्म नहीं कर सकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए ने वीडियो में फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय